फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, जिसका नाम है जिंदगी हटके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अस्थमा के ऊपर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने अस्थमा के प्रॉब्लम को ठीक किया। करीब 2 साल पहले की बात है, जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद काफ़ी टेंशन में थी और 6 मंथ तक मैंने ये सारी मेडिसिन्स ली, इनहेलर का यूज़ किया, लेकिन वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। तब मैंने अपने उस पर रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे मैं अपने शेड्यूल में चेंजेस लाऊं, क्या मेडिसिन लूं, क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम रेमेडी, सब कुछ ट्राई किया। तो फिर मैं आपको भी बताती हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिवली मैंने अपने रूटीन में डाली और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। शुरू करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। मॉर्निंग रूटीन काफ़ी चेंज कर दिया था। अब मैं मॉर्निंग में जल्दी उठने लग गई थी और मॉर्निंग में ही मैं सारी एक्सरसाइजेस और वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ये सब करने लगी थी और 1 घंटा मैंने अपने आप को डिवोट किया था। कम से कम आधा घंटा ये सब करने के बाद मैं प्राणायाम करती थी और प्राणायाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं अस्थमा के प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। उनमें कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको 15-15 मिनट आपको करने हैं। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आप 5-5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, पर धीरे धीरे से बढ़ाते जाइए, 15 मिनट तो मस्ट है। और इन दोनों प्राणायाम को आप YouTube की हेल्प से सीख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें सिखाया गया है। तो ये हो गया पहला टिप, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात आती है होम रेमेडीज पे। तो मैंने दालचीनी पाउडर को ट्राई किया। दालचीनी पाउडर को सिनेमन पाउडर भी कहते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ये है दालचीनी पाउडर। तो इस दालचीनी पाउडर के आधे चम्मच को 1 चम्मच शहद के साथ हल्के गुनगुने पानी में एवरी डे मॉर्निंग में खाली पेट लेना है। मैंने ये 2 मंथ्स तक लिया था, लेकिन आपको ये चेक करना होगा कि ये आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको ये सूट नहीं करता तो आप इसे बंद कर दीजिए तुरंत। और अगर आपको कोई और डिजीज़ है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और अगर क्रोनिक अस्थमा है या काफ़ी पुराना अस्थमा है तो प्लीज़ आप अपनी मेडिसिंस और अपने इनहेलर्स को कंटिन्यू रखिएगा और शायद साथ में ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया पहला टिप। अब दूसरे टिप पे आते हैं, स्वसारी पॉथ। ये पतंजलि का प्रोडक्ट है जिसे भी मैंने यूज़ किया, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है स्वसारी पॉथ। तो ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल सकता है और पतंजलि के स्टोर पे भी ले सकते हैं। ये जड़ी बूटियों का एक मिक्सचर होता है। तो स्वसारी पॉथ को लेने का तरीका ऐसा है कि 5 से 10 ग्राम इस पाउडर को आपको आधे कप पानी में बॉईल करना है और फिर जब ये आधा रह जाए उसको छान के ठंडा करके रोज़ ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले ये आपको पीना है। मैंने 2 महीनों तक इसे पिया था। फिर इस केस में भी आपको ये चेक करना होगा कि आपको ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा पुराना अस्थमा है या फिर आप मेडिकेशंस पे हैं। तो ये हो गई दूसरी टिप। तीसरी चीज़ आती है आयुर्वेदिक इन्हेलर की। इन्हेलर का नाम तो सबको ही पता होगा, जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको हमेशा इन्हेलर लेना होता है जब भी हमें अटैक आता है। तो ये एक आयुर्वेदिक इन्हेलर है जो मैं इसे दिखा देती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया। ये देखिए, ये डब्बा है, ये एयर टाइट डब्बा है। इसके अंदर मैंने रखा है कपूर को, ये देखिए, ये कपूर आपको मिल जाएगा किसी भी शॉप पे। तो फिर ये कपूर को इसमें आप ऐसे बंद कर लीजिए और जब भी आपको इन्हेल करना हो तो आप इस तरह से इन्हेल कीजिए। तो ये है आयुर्वेदिक इन्हेलर। तो इसे आप दिन में कितनी बार भी इन्हेल कर सकते हैं और जब भी आपको अस्थमा का अटैक है उस समय भी आप इसे इन्हेल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसे लगभग 3 से 4 महीने तक मैंने यूज़ किया था और आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, कभी भी, कितना भी, कितने भी बार, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्लस ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि जो कपूर होता है वो आपके जो लंग्स होते हैं और इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
जो कि बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरियाज़ को और हर तरह के जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है। तो ये हो गई हमारी मेजर टिप्स, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसके ये सब फॉलो करके ही मैंने अपने अस्थमा के 90% प्रॉब्लम को ठीक किया था। 6 मंथ्स के अंदर अंदर मेरा अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो चुका था इन इन सब टिप्स की हेल्प से। हाँ, मेरा इनिशियल स्टेज पे था तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आसानी से रिकवर कर पाई। जिन्हें क्रोनिक डिजीज़ है या काफ़ी समय से है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और प्लस वो अपने मेडिकेशन और इनहेलर जारी रखें, साथ में ये भी करते रहें। ये तो हो गई इम्पोर्टेंट चीज़ें। उसके अलावा भी मैं कई सारे टिप्स आपको बताने वाली हूँ जो कि आप डेली बेसिस पे या कभी कभी आप उनको ट्राई कर सकते हो। उनमें से कुछ टिप्स हैं जैसे कि हल्दी वाला दूध हो गया, तुलसी के पत्तों को आप काली मिर्च के साथ चबा चबा के खा सकते हो, गर्म पानी पीजिए जब तक कि आपको डकार ना आ जाए, गरम गरम मसूर की या अरहर की दाल को पीजिए डकार आने तक। उसके अलावा नीलगिरी का तेल या यूकेलिप्टस ऑयल की 3-4 बूंदों को पानी में डाल के उससे स्टीम लीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। भुना चना जो होता है, भुना चना कफ को निकालता है, भुना चना खा के एक मुट्ठी ऊपर से गर्म दूध पी लीजिए, और उसके बाद 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। ये भी बहुत इफेक्टिव है, उससे कफ निकल जाता है बिल्कुल। फ्रेंड्स, ये सारी टिप हो गई अस्थमा के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा और मेरी ये कोशिश कामयाब रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।